2015 बैच की आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने शुक्रवार को ट्वीट करके अपनी नई जिम्मेदारी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वो राजस्थान सरकार की ज्वाइंट फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नई पारी की शुरुआत की है। उन्होंने ट्विटर के साथ एक अपनी फोटो भी शेयर की है। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीना डाबी इन दिनों अपने तलाक को लेकर काफ़ी सुर्खियों में हैं। टीना ने कश्मीर के रहने वाले आईएएस अतहर आमिर खान से 2018 में शादी की थी, हालांकि अब दोनों का तलाक होने जा रहा है। यूपीएससी की वर्ष 2015 की परीक्षा में टॉपर टीना डाबी और दूसरे नंबर पर रहे अतहर आमिर को पहली नज़र में प्यार हो गया था। दरअसल फाइनल रिजल्ट के बाद दोनों की मुलाकात दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय में 2016 में हुई थी। पहली मुलाकात के बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और ट्रेनिंग में इनका प्यार परवान चढ़ता गया। फिर ऐसे अंगड़ाई ली कि दो दिल एक जान में बदल गए। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि दोनों ने अप्रैल 2018 में कश्मीर की वादियों में शादी रचा ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने जयपुर के एक फैमिली कोर्ट में रजिस्टर मैरिज की। टीना और आमिर दोनों को राजस्थान कार्डर मिला था और इस दौरान आमिर जयपुर में पोस्टेड थे, इसलिए कश्मीर में रीति रिवाज से शादी करने से पहले 20 मार्च 2018 को उन्होंने कोर्ट में शादी की। इसके बाद टीना डाबी अपने परिवार के साथ कश्मीर के पहलगाम पहुंची थी और वो वहीं पर शादी की रस्में पूरी की गई थी। पहलगाम में पारिवारिक रीति रिवाज के तहत शादी के बंधन में बंधने से पहले उन्होंने 20 मार्च को जयपुर में कोर्ट मैरिज किया था। लेकिन फिलहाल टीना डाबी ने एक खुशी की खबर दी है कि उनको अब ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर अब एक नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन तलाक के मसले पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।